हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्री फॉर नेशन एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं कि ट्वेल्थ के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमें ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए। और रिक्वेस्टेड वीडियो होने पर ये भी प्रश्न पूछा गया था कि जो बीएससी एग्रीकल्चर सही करना सही होगा या नहीं। और मैंने एग्रीकल्चर को एज ए करियर क्यों चूज किया, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम क्या होता है जब टेंथ में हम होते हैं जब हम टेंथ में हो तक होते हैं तो हमें करियर का, ज़्यादातर बच्चे को कह रहे हैं कि उनका गोल डिसाइडेड नहीं होता है कि एक्चुअली में उसके बाद करना क्या है। जब वो एग्ज़ाम दे लेते हैं, टेंथ में होते हैं, तब उन्हें लगता है कि हाँ एलेवेंथ के बाद करना क्या है। तो टेंथ तक तो हम फ्री होते हैं, है ना। टेंथ तक हम क्या होते हैं, फ्री होते हैं। उसके बाद जब टेंथ का एग्ज़ाम दे लेते हैं उसके बाद एलेवेंथ में एडमिशन करने का जब होता है, तब सोचते हैं कि करना क्या है, एलेवेंथ में क्या करना है। तो बच्चे क्या होते हैं कि टेंथ का एग्ज़ाम दिया, एलेवेंथ में आए, उसके बाद फिर एलेवेंथ में उनके बाद उनके पास क्या क्या ऑप्शन होता है सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का। तो देखिए, उनके पास सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, सबसे पहले तो मैथ, ये साइंस में आ गया, उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद बायोलॉजी ले सकते हैं, उसके बाद फिर क्या ले सकते हैं, कॉमर्स, है ना, कॉमर्स ले सकते हैं, उसके बाद ले सकते हैं आर्ट्स, आर्ट्स है ना। मैथ के बाद वो मतलब ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं। किस के लिए जाते हैं? इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन के लिए। और बायोलॉजी के जो बायोलॉजी साइंस के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर मेडिकल मीन्स डॉक्टर बनने जाते हैं, है ना। और कॉमर्स के जो ज़्यादा बच्चे होते हैं वो सीए बनने जाते हैं, चार्टर अकाउंटेंट। आर्ट्स के जो बच्चे होते हैं वो सिविल सर्विसेज के लिए जाते हैं, यूपीएससी के लिए, है ना। तो अब ये बात आ गया कि मेनली बच्चे ज़्यादातर इस सब्जेक्ट को चूज करते हैं, है ना। लेकिन एक सब्जेक्ट और है जिसको कि आप चूज़ कर सकते हो ट्वेल्थ करने के लिए, वो है एग्रीकल्चर। क्या है? एग्रीकल्चर। ओके, आप एग्रीकल्चर ले सकते हो। लेकिन क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चे इस सब्जेक्ट के बारे में जानते ही नहीं है। बहुत कम ही बच्चे जानते होंगे कि एलेवेंथ जो होता है एग्रीकल्चर से भी होता है। ओके, अब क्या हो गया कि ये दोनों जो लाइन हो गया वो तो बिल्कुल अलग हो गया और इसमें अपने अपने क्षेत्र में चले जाते हैं और अपना स्कोप देखते हैं, इनको करना क्या है, चले गए। अब यह क्या होता है कि मैथ के बच्चे इंजीनियरिंग के लिए तैयारी के लिए जाते हैं और बायोलॉजी के बच्चे मेडिकल की तैयारी के लिए जाते हैं, ठीक है। अब इंजीनियरिंग में क्या है एक्चुअली में कि सारे बच्चे का सिलेक्शन तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कंपटीशन लेवल जो है वो भी हाई हो गया है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो ईयर बाय ईयर है वो भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए क्या होता है कि कंपटीशन क्या है, हाई है। इसलिए बच्चे क्या होता है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। एक्चुअली मैं बता रही हूँ कि क्या होता है कि बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। अब क्या है कि मेडिकल लाइन में इसमें भी वही है, आप हर ईयर मेडिकल के लाइन में के एग्ज़ाम में हर ईयर नीट के एग्ज़ाम में 1 से 2 लाख बच्चे हर ईयर बढ़ते हैं, हर ईयर। कोई 3 ड्रॉप ले रहा है, कोई 4 ड्रॉप ले रहा है, बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। तब तक बच्चे इसकी प्रिपरेशन करते रहते हैं, है ना। तो इसमें भी क्या हो गया, कंपटीशन हाई है, कंपटीशन हाई है, बच्चे क्या हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं। अब इसके बाद यदि बच्चे का इस लाइन में और इस लाइन में नहीं हो पाता है तो क्या करते हैं,
अब उन्हें समझ नहीं आता है कि करना क्या है। तो जो बच्चे एक्टिव होते हैं, जो जिनको अपने कैरियर के लिए, जो अपने कैरियर के लिए परेशान होते हैं, जो सिंसियर होते हैं कि हाँ नहीं हमें फिर अपनी लाइफ में करना है, क्योंकि यही लाइफ का एंडिंग नहीं है, इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइफ का एक्चुअली एंडिंग नहीं है, है ना। हमें और भी क्षेत्र है जिसके बारे में नॉर्मली बच्चे जानते नहीं हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप होता है ना, बच्चे जानते नहीं हैं। और जो बच्चे जानते हैं वो तो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। तो क्या है कि एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, एक किसी चीज़ पे स्टिक नहीं होना है। अब क्या है कि कोई सोच लिया डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, तीन ले ड्रॉप ले रहा है, चार ड्रॉप ले रहा है, तो क्या हो रहा है, बच्चे में डिप्रेशन हो रहा है। क्या फ़ायदा ऐसा ज़िंदगी जीने से, क्या फ़ायदा बताओ, जिसमें हम आप खुशी नहीं हो, है ना। जब आपकी ज़िंदगी तब आपको कुछ अलग सोचना चाहिए, है ना, कि हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। बिल्कुल इंजीनियरिंग मेडिकल ही सब कुछ नहीं है, आप ये जान लो, आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा है, आपके मम्मी पापा के लिए भी और आपके लिए भी, है ना। तो चलिए, तो क्या होता है इंजीनियरिंग मेडिकल में, बच्चे तो वहाँ प्रिपरेशन करते हैं, है ना, क्या करते हैं, इसके बाद बच्चे जो एक्टिव होते हैं वो क्या चूज करते हैं, एक एग्रीकल्चर क्या होता है, कोर्स होता है बीएससी एग्रीकल्चर। इस बारे में कुछ बच्चे जानते हैं, कुछ बच्चे को ऐसा लगता है कि बीएससी एग्रीकल्चर ले लिया ट्वेल्थ के बाद, मतलब क्या बनना है, किसान, क्या बनना है, फार्मर, है ना। लेकिन ये सही नहीं है, एक्चुअली ये सही नहीं है, एक्चुअली में किसान नहीं बनते। आप इस क्षेत्र में के बारे में डीपली जानोगे ना, तो क्या कहते हैं इसको, भंडार है, भंडार, यहाँ स्कोप ही स्कोप है। आप अपने किसी भी क्षेत्र में कैरियर बढ़ा सकते हो और एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, है ना। तो हमें किसी एक चीज़ पर स्टिक नहीं होना है, बिल्कुल नहीं। आप कोई किसी ऐसे लाइन को चूज करो कि बस आपकी ज़िंदगी ही बन जाए। पता है क्या होता है, बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में बच्चे बहुत ही कम जानते हैं। वो बच्चे जानते हैं जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो ट्वेल्थ कर रहे हैं भी एग्रीकल्चर से, है ना, और वो जानते हैं जिन जो मेडिकल और इंजीनियरिंग किए और उनको कुछ और बेहतर करना होता है अपनी ज़िंदगी में, इसलिए वो बीएससी एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए बीएससी एग्रीकल्चर एक क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर एक फोर ईयर का कोर्स है, है ना, फोर ईयर का कोर्स है। जैसे आप आईआईटी करते हो ना, आप जैसे एमबीबीएस करते हो ना, बस उसी तरह से है, कौन सा, ये बीएससी एग्रीकल्चर। ओके, इसमें और बीएससी एग्रीकल्चर में बच्चे बहुत कम जानते हैं, इस वजह से कंपटीशन कम है और स्कोप ज़्यादा है, इसलिए इसमें क्या है, सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है और जॉब पाने का भी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। ओके, तो अब क्या है कि आप, क्या है कि आप जो आप बीएससी एग्रीकल्चर मान लो चूज किए, आप उन बच्चे उस एक्टिव बच्चे में से हो जो इस एग्रीकल्चर के बारे में जाने, बहुत सारी चीज़ें पता लगाई, तब आप बीएससी एग्रीकल्चर पर आए। तो अब क्या है, ये क्या है, फोर ईयर का कोर्स है, है ना, इसमें भी बाकी आईआईटी और मेडिकल की तरह एट सेमेस्टर होता है। ओके, पर ईयर एक दो सेमेस्टर, ठीक है। अब क्या है कि आप एडमिशन इसमें कैसे ले सकते हो, आप इसमें एडमिशन एग्ज़ाम के थ्रू लोगे, है ना। एग्ज़ाम कैसे होता है, एक तो स्टेट वाइज होता है और एक सेंट्रल होता है। सेंट्रल एग्ज़ाम कौन लेता है, ICER, और स्टेट वाइज तो स्टेट के स्टेट में ही लिया जाता है, है ना। तो अब क्या है कि एडमिशन तो आप ICER से लोगे, जिसके लिए आपको ट्वेल्थ का एग्ज़ाम जब देते हो
जस्ट बाद इन सबका फॉर्म निकलता है ना। आपको उस टाइम ये फॉर्म भरना होता है। ट्वेल्थ का एग्ज़ाम तो नहीं होता, बट दिसंबर या नवंबर दिसंबर से इस मेडिकल का और इंजीनियरिंग का सारे का जैसे जैसे फॉर्म निकलता है वैसे ऐसे ही आपका निकलता है, और स्टेट वाइज तो स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो कब निकालते हैं, है ना। तो ये पता करना होता है। ओके, अब क्या है कि इसके बारे में अब हम बात करेंगे कि ICAR का एग्ज़ाम और स्टेट वाइज का एग्ज़ाम कैसे किस तरह से होता है, कौन कौन सा एग्ज़ाम होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे अपने आने वाले वीडियो में। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप इससे कुछ रिलेट कर पाए होंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, आगे आपको इस चैनल पे इसी तरह के वीडियो मिलती रहेगी, और आपको जो क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड और ट्वेल्थ के बाद करना क्या है इसके रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी डाल देना, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी क्वेरी को जल्द से जल्द सॉल्व करूँ। ओके देन, ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।